हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सुपर मॉम्स ब्लॉग। आज बज चुके हैं शाम के 5 और मेरे बच्चों को लग गई है बढ़िया वाली भूख। और इससे पहले कि वो बस शैतानी अपनी शुरू करने लगे, भूख से परेशान करने लगे, तो चलिए आज हम उसके लिए बनाते हैं ओट्स। तो उसके लिए मैंने लिया है एक बाउल के अंदर एक कप गिलास, जो भी आप जिस भी मेज़रमेंट से आप लेना चाहते हैं उसे आप एक बाउल में ओट्स डाल लीजिए। आप प्लेन ओट्स यूज़ कीजिए इसमें, और इसके अंदर कोई भी फ्रूट आप डाल सकती हैं, कोई भी सीजनेबल फ्रूट जो आपको मिल जाए, इजीली अवेलेबल मार्केट में हो, वो आप ले सकती हैं। मैंने पपाया लिया है तो मैं इसमें पपाया डाली हूँ, और बस प्लेन ओट्स पपाया। और इसके अंदर मैंने एक ये पाउडर डाला है जो कि मैंने खुद घर पे बनाया है इस पाउडर को। तो आप सब बताइएगा कि कौन सा पाउडर डाला होगा मैंने, इसके लिए आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि इसमें मैंने कौन सा पाउडर डाला होगा। फिर मैंने इसमें एक गिलास पानी लिया। पानी मुझे लगा कि बस एक गिलास सफिशेंट नहीं होगा, तो मैंने इसमें एक गिलास पानी और डाला। उसको मैंने डाल के उसको बस थोड़ी देर चलाया, और उसको मैंने 5 मिनट के लिए ओवन में बेक होने के लिए रख दिया। बस इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं होती, झटपट बन जाता है ये, और बच्चे बहुत प्यार से इसको खाते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत प्यार से खाते हैं। प्लीज़ इसको आप भी ट्राई कीजिएगा और अपने छोटे बच्चों को खिलाइएगा, और प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको, आपके बच्चों को खाने में कैसा लगा। मेरे बच्चे बहुत छोटी उम्र से ये खाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे प्री मैच्योर हुए थे तो मैंने इनको जल्दी खिलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन्होंने ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं लिया था, बस फॉर्मूला मिल्क पे थे ये। तो मुझे होता था कि बस मेरे बच्चे किसी तरह से हेल्दी रहें, थोड़ा वेट गेन करें, तो बस इसीलिए मैंने इनको बहुत जल्दी खाना खिलाना शुरू कर दिया था। इनको अलग अलग तरह की चीज़ें खिलाती थी। अब तो खैर वो हो चुके हैं, थोड़े बड़े हो गए, 2 साल के हो गए हैं। तो बस यही था मेरा रेसिपी जो मैं उनको खिला के इतना बड़ा की हूँ। किसी दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपने बच्चों को, एक्चुअली मेरे ट्विंस बच्चे हैं, तो कैसे मैंने उनको इतना बड़ा किया, कैसे किया, कैसे संभाला। बहुत छोटे थे ये, प्री मैच्योर हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे हुए होंगे। तो बस ये जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बहुत स्ट्रगल से मैंने उनको यहाँ तक लाया है, तो ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो बस इसको हमने कुछ नहीं किया, उसमें मिक्सर जार में डाला और उसका पेस्ट प्योरी बनाया, और बस इसको डाल दिया हमने बाउल में। और मिठास में हमने उस टाइम में कुछ नहीं डाला था, आपने देखा होगा। तो बस अब मैं इसके अंदर कुछ मिठास के लिए ऐड कर रही हूँ। बस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मैंने मिठास में इसमें क्या डाला है। तो बस इसको फटाफट से बन गया ये, आप इसको देख लीजिएगा, ठंडा हो तभी अपने बच्चों को खिलाइएगा, वरना थोड़ा मुँह जलने का डर होता है। बस आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा सबसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।